राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कन्वर्टर। सो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि जो आप तरीका बता रहे हो लिमिटेड और एलिमिनेटी ऑफ कंटेंट को रिमूव करने के लिए, उसका कोई प्रूफ है कि नहीं, किसी का ठीक हुआ कि नहीं। दोस्तों आज मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ, बट दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं प्रूफ दिखाया करूँ तो आप ये मत बोला करो कि सर वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्योंकि दोस्तों यार अगर मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा एंड वीडियो में साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मैंने ये रिमूव कैसे किया तो वीडियो तो लंबा होगा, ठीक है। दोस्तों इस चीज़ की टेंशन मत लिया करो, क्योंकि अगर आपको प्रूफ भी देखना है एंड ये भी पता करना है कि सॉल्व कैसे किया, तो दोस्तों आपको पूरी वीडियो भी देखनी पड़ेगी एंड वीडियो लंबी भी होगी। सो दोस्तों जिन लोगों के भी क्वेश्चंस थे, आज सभी लोगों के क्वेश्चंस मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर एक पेज दिखाने वाला हूँ जिस पेज का इशू दोस्तों रिमूव हो गया था। पहले उसके ऊपर लिमिटेड और रिलेटिव ऑफ कंटेंट का इशू आया, इसके बाद वो रिमूव भी हो गया एंड दोस्तों उस पेज को आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों जल्दी से तैयार हो जाइए एंड दोस्तों जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नीचे लाल वाला बटन दबाकर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाने से न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद अगर आपके माइंड में से ये डाउट निकल जाए कि हाँ सर जो मतलब मैंने जो भी तरीका बताया अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, जो आपके पेज में इशू है वो रिमूव हो जाएगा, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पेजेस पर ये इशू हैं एंड वो इसी वजह से रिमूव मतलब के पेज पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कंफर्मेशन नहीं है, उनको मतलब डाउट है कि पता नहीं मैं मेहनत करूंगा भी एंड करने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ तो मेरी मेहनत बेकार है। इसलिए दोस्तों अगर आप ये वीडियो दे दोगे उन लोगों को तो उन लोगों को एक होप मिल जाएगी कि हाँ ये करने से इशू रिमूव होता है, सर ने दिखाया तो ज़रूर होता होगा, ठीक है। एंड दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ऐसे नहीं कि बस हवा में स्क्रीनशॉट दिखा दिया, आपको यहाँ पर अभी लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, आपको उस वीडियो के मैं थोड़े से शॉर्ट्स दिखाऊंगा अभी, जिसमें मैं एक पेज के बारे में बताया कि इस पेज पर एक इशू आ गया था दोस्तों, तो मैं अभी वो वीडियो को आपको यहाँ पर साइड में दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप ये पेज देख सकते हो, फहीम दिलवर इस पेज का नाम है, ठीक है। इस पेज के ऊपर लिमिटेड और रिलेटिव ऑफ कंटेंट का इशू था। तो दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, जहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी राइट थी कि नहीं, इशू था कि नहीं, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर पेज क्वालिटी देख सकते हो, पेज क्वालिटी का शॉर्ट सा स्क्रीनशॉट दिख रहा है, यहाँ पर ग्रीन है, ठीक है। आगे हम यहाँ पर पॉलिसी में आ गए, तो दोस्तों यहाँ पर हम पेज पे आ गए, तो अभी मैं दोस्तों यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। एंड अभी हम यहाँ पर पेज के व्यू पेज एलिजिबिलिटी चेक करने वाले हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो वीडियो चल रही है वीडियो में थोड़ा बहुत दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आवाज़ बंद कर दिया, हो सकता है आपको आवाज़ नहीं आ रही हो, बट दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में मैं पेज को ढूंढ रहा हूँ एंड पेज को ढूंढने के बाद अभी सिलेक्ट करूँगा जहाँ पर आप देखोगे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का क्या हाल था। तो दोस्तों देख सकते हो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी यहाँ पर रेड शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल रेड हो चुकी है। तो दोस्तों इस पेज से रिमूव हुआ कि नहीं हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ एंड पहले आपको इशू भी दिखा देता हूँ। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आपने देख ली यहाँ पर रेड है, अब दोस्तों इशू देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्किप कर देता हूँ वीडियो को, इस वाली को, एंड दोस्तों यहाँ पर हम ये आ गए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर पेज का नाम देख सकते हो, फहीम दिलवर लिखा हुआ है एंड लिमिटेड और एलिनिटी ऑफ कंटेंट इस पेज का पेज पर इशू भी आया हुआ है एंड रिक्वेस्ट का बटन भी नहीं था उस टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हो जो लोग बोलते हैं ना कि सर मेरे पेज पर रिक्वेस्ट का बटन नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरा रिमूव होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों मैं क्या करूँ, ठीक है। दोस्तों वो यहाँ पर दोस्तों उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो रिक्वेस्ट का बटन नहीं है, मोनेटाइजेशन इशूज लिखा हुआ है, इशू पेज के ऊपर आया हुआ है लिमिटेड और एलिनिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस पेज की बात कर रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर से अब मैं आपको जो लाइव मतलब यहाँ पर वीडियो आपने लाइव देखा, अब मैं यहाँ पर से आपको लेकर चलता हूँ पेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेज को भी ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको पेज दिखा देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर जो आप पेज देख रहे हो, इस पेज पर लिखा हुआ है मोहम्मद फहीद, ठीक है, मोहम्मद फहीम, ठीक है। तो यहाँ पर मोहम्मद फहीम लिखा हुआ है, अब आप सोच रहे होगे उस पेज का नाम था फहीम दिलवर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पेज की ट्रांसपेरेंसी दिखा देता हूँ, क्योंकि जो भाई हैं इन्होंने अपने पेज का नाम चेंज कर दिया था, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंसी में पेज का नाम होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा एंड डेट भी दिख जाएगी वहाँ पर। जो आप वीडियो देख रहे थे अभी, ठीक है, ये यहाँ पर शायद 25 नवंबर की थी, ठीक है। 25 नवंबर के बाद इन्होंने पेज का नाम कब चेंज किया वो भी मैं आपको यहाँ पर पेज ट्रांसपेरेंसी में दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड दोस्तों ये जो अबाउट सेक्शन है ना, अब उस वीडियो को जो वो वीडियो अभी मैंने दिखाई, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि वो वीडियो दूसरी थी, वो पेज दूसरा था, तो नीचे मैं लिंक दूंगा इस वाली वीडियो का, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देखिएगा। अब ये वाला अबाउट सेक्शन पूरा देख लीजिएगा एंड इस वाले पेज का भी देख लीजिए, ठीक है। दोनों का मिला करके देख लीजिएगा, दोनों पेज सेम ही है, क्योंकि अबाउट चेंज तो नहीं कर पाऊंगा ना मैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं वहां पे एंड यहां पर मैं आपको पेज की ट्रांसपेरेंसी दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं ये देख दोस्तों डेट भी देख लीजिएगा, जो क्रिएट डेट है 28 अप्रैल 2020, ठीक है, और उस पेज की भी देख लेना, ठीक है। एंड यहां पे मैं सी ऑल पे क्लिक कर देता हूं एंड यहां पर आप देख सकते हो
जो पहले पेज का नाम था, छह मतलब कि सबसे पहला जो नाम था फहीम दिलवर पेज, ठीक है, ये नाम था। इसके बाद जो अभी वीडियो में आपने पेज देखा वो यहाँ पर नाम ये आ रहा है सेकंड वाला, फहीम दिलवर, ठीक है। जब इस पेज का नाम फहीम दिलवर था उस टाइम में मैंने वो वीडियो बनाई थी, ठीक है, 25 नवंबर को, ठीक है। एंड यहाँ पर अब जो 29 नवंबर को इस पेज का नाम चेंज किया, तो चेंज करके क्या रख दिया, मोहम्मद फहीम, जो इनकी आईडी का नाम है, ठीक है, अपनी आईडी के ऊपर इन्होंने इस पेज का नाम रख दिया, ठीक है। दोस्तों बस यहाँ पर ये मैंने आपको दिखा दिया कि पेज दोनों सेम है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि आपने वीडियो में दूसरा पेज दिखाया है एंड यहाँ पर दूसरा पेज दिखा रहे हो, इसलिए मेरा ये क्लियर करना जरूरी था कि दोनों पेज सेम है, ठीक है। तो दोस्तों आपने दोनों पेज देख लिए सेम है। अब मैं आपको क्रिएटर स्टूडियो में लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर आप देखोगे कि पेज से इशू रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करके रखा है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पेज का नाम फहीम दिल मोहम्मद फहीम सॉरी मोहम्मद फहीम इस पेज का नाम देख सकते हो। स्टेटस यहाँ पे नो मोनेटाइजेशन ब्राजेस देख सकते हो। एंड यहाँ पर मैं पॉलिसी इशू पर आप क्लिक करके दिखाता हूँ कि यहाँ से जो इशू था वो रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर पॉलिसी इशूज पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो नो मोनेटाइजेशन ब्राचेस, यहाँ पर जो इशू था वो रिमूव हो गया, टोटली बिल्कुल ठीक हो गया ये पेज, ठीक है। एंड दोस्तों मज़े की बात, एक गुड न्यूज़ भी पेज ओनर के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको वो भी गुड न्यूज़ भी बताऊंगा। जो आप वीडियो देखोगे, जो फहीम दिलवर वाली वीडियो है, ठीक है, जो मैंने वीडियो पहले बनाई थी, सेम वही प्रोसेस आपको करना है इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। वीडियो को अगर मैं पूरा बताऊंगा रिमूव भी कैसे करना है तो बहुत लॉन्ग आ जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि वही प्रोसेस को फॉलो करो। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है दोस्तों आपको, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर खुशखबरी क्या है कि उस टाइम में जो पेज के फॉलोवर्स थे वो 10,000 में थोड़े से कम थे, जिसके शायद 10,000 थे बट वॉच टाइम कंप्लीट नहीं था, ठीक है। एंड आज मॉर्निंग में ही इस पेज का वॉच टाइम भी कंप्लीट हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक्शन रिक्वायर्ड इन स्टीम ऐड के लिए यहाँ पर स्टार्ट सेटअप का बटन आ गया। एंड भाई अब इस पेज को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस मेहनत करो, ठीक है, अपने पेज पर थोड़ा बहुत काम करो, आपका पेज ठीक हो जाएगा, ऐसे होप मत छोड़ो, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पेज का क्राइटेरिया पूरा हो गया। व्यू पेज एलिजिबिलिटी पे मैं आपको दिखा देता हूँ जा करके, यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड का कुछ बटन वटन आया कि नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेज को देख लेते हैं, मोहम्मद फहीम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपने देखा था उस टाइम वीडियो में पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी रेड शो हो रही थी, बट यहाँ पर अभी जो भी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए हैं, जिस जिस चीज़ से ये पेज मोनेटाइज हो गया है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया, ये तो यहाँ पर आपने 100% प्रूफ देख लिया है। अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि कोई ये कहे कि जो भी मैं तरीका बता रहा हूँ कि वो मतलब कि गलत है, उससे ठीक होगा कि नहीं होगा। अब प्रूफ देख करके भी आपको यकीन नहीं आएगा तो मुझे नहीं पता भाई आपको क्या देख करके यकीन आएगा। प्रूफ भी दिखा दिया, आपको तरीका भी बता दिया। अब दोस्तों जब तक काम नहीं करोगे तब तक पेज ठीक नहीं होगा। सो दोस्तों आप बस पेज पर काम करो, ओरिजिनल वीडियोस डालो, ठीक है। भाई के ओरिजिनल कंटेंट था, भाई का ओरिजिनल कंटेंट था, भाई ने ओरिजिनल कंटेंट को डाला, ठीक है। एंड जो पहली पुरानी डुप्लीकेट वीडियोस थी उनको डिलीट किया, डिलीट करने के बाद ओरिजिनल कंटेंट डाला रेगुलर बेसिस पे, जिसके बाद ही भाई का पेज ठीक हो पाया। तो अगर आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका पेज भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि ओरिजिनल वीडियो आप कहाँ से लो, तो मैं तो आपको प्रेफर करता हूँ कि टेकाटक से ले लो, या फिर आप दोस्तों इंस्टाग्राम रील्स भी चल रहा है, ठीक है, यूट्यूब पर भी शॉर्ट वीडियो बनती हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप थोड़ा सा माइंड चलाओ, तरीका निकालो, वीडियोज लेकर के आओ ओरिजिनल। एंड दोस्तों आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोज डालनी है, आप रेगुलर बेसिस पर काम करोगे आपका पेज ठीक हो जाएगा दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाया मैंने इसीलिए है क्योंकि आप जिस मेहनत को कर रहे हो वो मेहनत आपकी वेस्ट नहीं होगी, आपका पेज जरूर ठीक होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको यहाँ पे मन में जो भी डाउट था, जो भी मतलब आप सोच रहे थे पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, अगर वो डाउट निकल गया हो तो मेरी वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड कमेंट करना। एंड दोस्तों जितने भी आपके दोस्त हैं जो फेसबुक क्रिएटर्स हैं एंड जो नहीं भी हैं दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, ठीक है। एंड जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं नीचे लाल वाला बटन दबाइए, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, इससे न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।